एक हम देखेंगे इराक, टॉपिक है इसको आप लोग नोट कर लेना, अपना कर लिए होंगे ठीक है। इराक तुर्की डेवलपमेंट मेंट रोड प्रोजेक्ट, ठीक है, किसके किसके बीच की योजना है ये, एशिया इसमें देखिए भागीदार कौन कौन है। और यूरोप। इराक, तुर्की, कतर, यूएई, इन चार देशों के बीच समझौता हुआ है। कहाँ पर हुआ था समझौता, कहाँ हुआ है, बगदाद में। बगदाद इराक की राजधानी है, तो समझौता बगदाद में हुआ है। ओके याद रखना इसको। किसको किस किससे जोड़ने वाला है ये, फारस की खाड़ी में स्थित कोई इराकी बंदरगाह है, उसको जोड़ेगा उत्तर में तुर्की की सीमा से। तुर्की की सीमा से जोड़ेगा। बंदरगाह का नाम क्या है जो फारस की खाड़ी में है, अल फाव बंदरगाह। अल फाव बंदरगाह कहाँ पर है ये, बसरा में है, बसरा प्रांत है इराक का, वहां पर है ये, ठीक है। अल फाव बंदरगाह को उत्तर में वहां से जोड़ेगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। हाँ ये बात याद रखनी अपने को, ठीक है। उत्तर में तुर्की सीमा से तक का है। लंबाई की बात करेंगे तो 1200 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, दो तरफा रेल ट्रैक होगा इसमें, और एक नया मोटर मार्ग होगा इसमें। इसमें ये सारी चीजें शामिल है, दो तरफा रेल ट्रैक, एक नया मोटर मार्ग, ठीक है। कितने कितना रुपया खर्च होने वाला है इसमें, 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होगा। किसका विकल्प है, किसका विकल्प उपलब्ध कराएगा, स्वेज नहर, स्वेज नहर के विकल्प के रूप में, ठीक है ना, स्वेज नहर के विकल्प के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। और एक चीज और याद रखना, ठीक है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना क्या है कि घोषणा कब हुई थी इसकी, 2010 में इसकी पहली बार घोषणा की गई थी सरकारी सरकारी परियोजना के रूप में, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य है एक स्थाई गैर तेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, ठीक है। बाकी इसके बनने से और भी विकास काम हो सकते हैं, नए नए अवसर खुलेंगे, है ना, रोजगार के भी अवसर खुलेंगे, ये भी हो सकता है, तो ठीक है ये ध्यान रखना। पुराना जो परिवहन नेटवर्क था उसको फिर से जीवित किया जाएगा और देश के विशाल क्षेत्र में विकास के नए अवसर खोले जाएंगे। ओके हाँ ध्यान रखना। इसको अगर देखा जाए ना तो लंबा चौड़ा एरिया कवर करेगा, ऐसे चलेगा। मान लीजिए ये आपका इधर इसमें ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ऐसे समझेंगे अभी, क्योंकि तो उधर से अभी उल्टा पड़ जाएगा। इसको हम ईस्ट मान रहे हैं, इसको हम वेस्ट मान रहे हैं। अभी यहां से शुरू होगा ये, यहां से ये क्या है, ग्रैंड अल फा बंदरगाह है, ठीक है, यहीं पे यही वाला, ये वाला एरिया ऐसे चलेगा। सड़क यहाँ पे सड़क होगी,
मतलब जमीन धरातल है, धरातल ही क्षेत्र ही रहेगा यहाँ पे, फिर ये चलेगा इधर निकल जाएगा एक, फिर ये चलेगा इसे। इसमें एक चीज़ और याद रखना है अपने को, इसमें जैसे इराक तो है ही है, इराक का बसरा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसमें नजत है, नजत बगदाद भी इसके रास्ते में पड़ेगा, बगदाद भी पड़ेगा, टिकरित भी पड़ेगा, टिकरित मोसुल भी पड़ेगा, उवाकोय भी पड़ेगा इसी में, इसी के रास्ते में, ठीक है। फिर आप देखेंगे मोसुल के साथ साथ अल हसाका भी इसके रास्ते में ही पड़ने वाला है। फिर एक निकल जाएगा, एक रास्ता इसका निकलेगा कुछ ऐसे करके, वो चल जाएगा अल केहान, ठीक है। थोड़ा ये जलीय क्षेत्र भी हो जाएगा और ये इधर, फिर जब निकलेगा आगे बढ़ेगा तो अंकारा रास्ते में पड़ेगा। अंकारा के बाद आपको इस्तांबुल मिलेगा, यहाँ पे इस्तांबुल मिल जाएगा। इस्तांबुल से जब आगे बढ़ेगा तो एक ऐसे करके तीन रास्ते बनेंगे, एक चला जाएगा रोमानिया, एक चला जाएगा सर्बिया, ये रोमानिया है, ये रोमानिया के लिए, सर्बिया के लिए है, और ये क्या है, उत्तरी मैसीडोनिया, ठीक है। बसरा से शुरू होगा, बसरा मतलब अल्फाओ बंदरगाह से, फिर बसरा है, बसरा प्रांत में ही पड़ता है ये बंदरगाह, फिर उसके बाद नजत, फिर बगदाद, फिर टिकरित, ऐसे करके नाम याद रखने, थोड़े बहुत याद रहे। टिकरित है, किरकुक है, इरबिल है, मौसुल है, वाकोए है, वैन है, वैन भी रास्ते में बढ़ेगा, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखने। ऐसा भी सवाल हो कि हाल ही में बसरा है आपका, नजफ है, मोसुल है, ठीक है, किरकुक है, टिकरित है, अल हसाका है, अल कहियान, अंकारा, ऐसे कुछ करके चर्चा में रहने का मूल कारण क्या रहा है, या बगदाद के चर्चा में रहने का मूल कारण क्या रहा है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको वो पता रहना चाहिए, ठीक है, ये हमें याद रखना भाई। आर्थिक महत्व की बात की जाए, लिखना चाहते लिख लीजिए, आर्थिक महत्व इसका क्या है, लिख लीजिए। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली एक स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा, आवाजाही और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना, अगला पॉइंट, एक नए प्रतिस्पर्धी परिवहन मार्ग स्थापित करना, अगला पॉइंट, क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। महत्व हो गया, लोगों को पहले बता रखा है कि एक टिकाऊ गैर तेल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, अनुमानतः इससे $4 बिलियन का वार्षिक राजस्व और 1,00,000 नौकरियां उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक महत्व हो गया, भू राजनीतिक महत्व क्या है, फारस की खाड़ी से तुर्की के रास्ते पूर्व के यूरोपीय देशों तक सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट लिखिएगा,
यह भारत मध्य पूर्व यूरोप यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के इसको बोलते हैं IMEC। विकल्प के रूप में इराक और तुर्की को व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराएगा, क्योंकि IMEC में इराक और तुर्की शामिल नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इराक और तुर्की IMEC में शामिल नहीं है। तो जो ये आपका गलियारा बन रहा है या जो रोड बन रही है, परियोजना क्या करेगी, इराक और तुर्की को एक विकल्प प्रदान करेगी। क्लियर है भैया? चलिए एक चीज और लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लें, इसमें मतलब ये रोड जो बन रही है इसमें लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब लादना और उतारना, लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट कम होने की वजह से परिवहन लागत और पारगमन समय में उल्लेखनीय कमी की जा सकती है। एक और पॉइंट लिखिएगा, क्षेत्रीय स्थिरता का क्या मतलब है? अरे, आर्थिक रूप से उन्नत करने में इस क्षेत्र के लिए मददगार साबित होगा। ठीक है भाई, रेल बन गई, रेलवे लाइन बिछ गई, एक बार बन गई तो क्या दूसरे दिन उखाड़ी जा सकती है? ऐसा तो होना नहीं है, है ना? 200-400 साल तक तो चलवे करेगा आराम से। अपने यहाँ देखो, लाइन बिछ रही है, चल रही है, बराबर से बिछाया जा रहा है, यही क्षेत्रीय स्थिरता है। ठीक है ना? इसमें और भारत के लिए लाभ क्या है, भारत का लाभ लिखिएगा, भारत के लिए क्या है इसमें लिखिएगा, एक छोटे और कुशल व्यापार गलियारे का विकल्प प्रदान कर सकती है। एक छोटे और कुशल व्यापार गलियारे का विकल्प प्रदान कर सकती है जिससे भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय बाजार तक पहुंचने के लिए परिवहन समय और लागत में कमी आएगी। परिवहन के बाद क्या होगा? परिवहन समय और लागत में कमी आएगी। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, भारत के लिए में अगला पॉइंट हो गया गाजा संकट और इजराइल को लेकर अरब देशों के अविश्वास के चलते IMEC लिख लेना, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा अविश्वास के चलते भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने में लगातार चुनौती बढ़ रही है। हो गया? जी सर। ठीक है, आगे लिखना। अब देखिए क्या होगा ना, ये जो इराक और तुर्की वाला रोड डेवलपमेंट रोड परियोजना है, इसमें क्या होगा कि इसके माध्यम से भारत क्या करेगा, खाड़ी देशों के साथ साथ तुर्की के रास्ते होते हुए पूर्वी यूरोप के साथ साथ रूस तक अपने सामान को पहुंचाने के एक विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा। ठीक है,
अब आईएमईसी क्या है ये भी लिख लो, आईएमईसी क्या है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है भाई, ये भी लिख लो, मध्य पूर्व यूरोप गलियारा लिखिएगा। दिल्ली में G20 सम्मेलन में घोषणा की गई, ठीक है, दिल्ली में अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ ना, इसी दौरान इसकी घोषणा हुई है। ये कहां कहां है, ये भारत है, UAE है, सऊदी अरब है, यूरोपीय संघ है, फ्रांस है, इटली है, सॉरी जर्मनी, रूस, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका, ये सारे देश जो लिखवाए इसमें शामिल है, हाँ, लक्ष्य क्या है, ऊर्जा उत्पाद सहित व्यापार बढ़ाना इसका लक्ष्य है, इससे क्या होगा, एक पूर्वी गलियारा जो खाड़ी क्षेत्र को जोड़ेगा, एक पश्चिमी गलियारा होगा जो पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र को जोड़ेगा, ठीक है, ये रहेंगे इसमें, ठीक ना। अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए ये इसका महत्व तो लिख लीजिए, मुंबई से इसकी शुरुआत होगी, ये भी याद रखना, मुंबई से इसकी शुरुआत होने वाली है भाई, ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका महत्व तो क्या है ये लिख लीजिए, भारत से यूरोप पहुंचने में लगने वाले समय में 40% की बचत होगी, मतलब मान लीजिए कोई एक घंटा में पहुंचने वाला हो 60 मिनट में, तो 40% उसका हिस्सा बच जाएगा, 6×4=24 मतलब 36 मिनट में पहुंच जाएगा इंसान, ठीक है, वहां पे ऐसे, ठीक है, ओके जी सर। अगला पॉइंट लिख लीजिए सर, भारत यूरोप पहुंचने में लगने वाले समय में 40% की बचत होगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में सहायक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच एक हरित और डिजिटल पुल कहा गया है, ठीक है, हो गया, डिजिटल पुल कहा गया है। ओके भाई, यहाँ तक जी सर ठीक है। अब देखिए ये जो डेवलपमेंट रोड की जो परियोजना है, इसमें भी कई सारी चुनौतियां हैं, बिना चुनौती के कोई काम नहीं होना है, ठीक है, तो चाहे तो इसको भी लिख लें, ठीक है, लिख लीजिए चुनौती क्या है इसकी, डेवलपमेंट रोड के लिए चुनौती क्या क्या चुनौती है, पहली चुनौती लिख लीजिए BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से प्रतिस्पर्धा। सर ये चुनौती IMEC का ना लिखा रहे हैं, नहीं अभी हमने डेवलपमेंट रोड के लिए चुनौती लिखवा दी है, ओके सर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
से प्रतिस्पर्धा, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके माध्यम से क्या कर रहा है चीन, धड़ल्ले से पुल का निर्माण कर रहा है, बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है चीन। कहां पे बिछा रहा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक, ठीक है ना। लिख लो चीन द्वारा, ऐसे करके चीन द्वारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 150 से अधिक देशों में बंदरगाह, पुल, रेल लाइन का निर्माण पहला हो गया। ओके, दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, आई एम ई सी से प्रतिस्पर्धा, कैसे है लिखिएगा। और याद रखना ये लिख लीजिए, तो भारत, सऊदी अरब और अमेरिका समर्थित, भारत, सऊदी अरब और अमेरिका समर्थित, यह एक प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा है। यह क्यों, मतलब क्या, इसमें लिख लीजिए चाहे तो, भारत जैसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, भारत जैसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और बड़े क्षेत्रीय बाजार की उपस्थिति के बिना, बड़े क्षेत्रीय बाजार की उपस्थिति के बिना एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली, एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली किसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता धूमिल हो सकती है, ठीक है। आर्थिक, सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आर्थिक, भारत जैसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और बड़े क्षेत्रीय बाजार की उपस्थिति के बिना एशिया और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली किसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता धूमिल हो सकती है। हो गया जी सर, फिर से बोल दें। नो सर, छूट गया तो बता दो, फिर से बोल देंगे। अगली चुनौती क्या है, सशस्त्र उग्रवादी संगठन, इनकी उपस्थिति भी क्या है, इन संगठन, कई सारे संगठन हैं, ठीक है, इन संगठनों की उपस्थिति भी इसके लिए एक चुनौती है इस क्षेत्र में। जैसे देखेंगे सक्रिय उग्रवादी संगठन, नाम क्या है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, PKK, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, मतलब ये उस क्षेत्र से गुजरने वाली, तुर्की के उस क्षेत्र से गुजरने वाली है जहां पर ये पार्टी, ये संगठन काम कर रहा है, संघर्ष चला रहा है अपना, ठीक है, जमीनी गलियारा तुर्की से ही मिल रहा है, ठीक है। ये भी एक हो गया, वित्त पोषण भी चुनौती है इसके लिए, वित्त पोषण क्या चुनौती है लिख लीजिएगा। अब भाई रोड की लागत ही इतनी सारी है, अकेले इराक थोड़ी ना वहन कर सकता है पूरे, है ना, पूरा खर्चा इराक नहीं दे सकता है, जाहिर सी बात है ना। लिख लीजिए, इसके लिए स्थायी वित्त पोषण हासिल करने में कठिनाई, इसके लिए स्थायी वित्त पोषण हासिल करने में कठिनाई
और इराकी राज्य संस्थान, इराक, इराक को हमने इराकी बोला है, इराकी राज्य संस्थानों में, इराकी राज्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर अक्षमता और भ्रष्टाचार है। ठीक है, और जब तक, याद रखिएगा, जब तक, लिख लीजिए तो एक पॉइंट और, तुर्की और पीके के संघर्ष समाधान के बिना निवेश आकर्षित करना आसान नहीं है। ठीक है, देखो निवेश को अगर बढ़ाना है ना तो पहले तो इराक में स्थिरता लानी पड़ेगी। खाड़ी देश इराक में निवेश करने के लिए सहज महसूस कर सकें उसके लिए इराक में क्या करना पड़ेगा भाई, स्थिरता लानी पड़ेगी। ठीक है, तभी काम आगे बढ़ेगा, बस समझे। क्योंकि जो देश लाभ कमाना चाहते हैं ना वो ऐसी स्थिति में निवेश करने के लिए आगे नहीं आएंगे, बस समझे। और पॉइंट लिख लीजिए, सुरक्षित लाल सागर मार्ग, सुरक्षित लाल सागर मार्ग, लिखिएगा। लाल सागर के बाधित होने से नए वैकल्पिक गलियारे को व्यवहार्य बनाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा समाधान की जरूरत है। ठीक है, हो गया यहां तक। सिंबल लोडिंग यूनिट, टॉपिक है सिंबल लोडिंग यूनिट्स, क्या है ये, एल यू, क्या है ये, सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम गिनती के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को प्रत्येक लोडिंग यूनिट, ठीक है, को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए सील और सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गिनती के साथ वीवीपैट पर्चियों की 100% सत्यापन की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को प्रतीक लोडिंग यूनिट को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए सील और सुरक्षित करने का आदेश दिया है। ठीक है, लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गिनती के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों के 100% सत्यापन को, क्या लिखे, ट्रेल, 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 हाँ, पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए चुनाव आयोग को
चुनाव आयोग को, सिंबल लोडिंग यूनिट सुरक्षित लोडिंग यूनिट को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पैंतालीस दिन के लिए सील और सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया। हो गया जी सर। क्या है लिखिए, ईवीएम नियंत्रण इकाई, ईवीएम नियंत्रण इकाई मतपत्र इकाई वीवीपैट इसको प्रिंटर बोल देने के अलावा मतदान केंद्र पर चौथी इकाई के रूप में सिंबल लोडिंग यूनिट होता है, ठीक है सर। सिंबल क्या है, सिंबल लोडिंग यूनिट, क्या SLU है, क्या आखिर लिख लीजिए लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा उपकरण है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसमें आपको उम्मीदवार का नाम देखने को मिलेगा, उम्मीदवार का नाम, उसका सीरियल नंबर और प्रतीक वाला बिट मैप फाइल, को अपलोड। ये क्या है सर बिट मैप फाइल? वो देखे हैं जब चुनाव होता है तो इतना बड़ा नहीं खर्रा था आपका, ऊपर से तीसरा नंबर हमारा है, नीचे से दूसरा नंबर हमारा है, सातवां नंबर पे देखेंगे तो हमारा ही निशान, वो कंघिया देखें, कंघी करते हैं, हाँ वो वाला निशान हमारा ही है, देखे ना इतना बड़ा खर्रा था पर्चा। सर घूमता है लोग मतलब दिखाने के लिए कितने नंबर पर मेरा है ये चिन्ह। बिट मैप फाइल को अपलोड करने के लिए प्रतीक प्रतीक लोडिंग एप्लीकेशन उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, फिर ये जो मशीन है, ये जो फाइल है इसको क्या करते हैं, फिर हम पेपर ऑडिट मशीन पर लगाने के लिए SLU सिंबल लोडिंग यूनिट को VVPAT से कनेक्ट कर देते हैं। लिख लीजिए, बिट मैप फाइल को पेपर ऑडिट मशीन पर स्थानांतरित करने के लिए SLU को VVPAT से जोड़ा जाता है। ये आपका VVPAT SLU को VVPAT से जोड़ा जाता है। एक काम किसकी देख रेख में होगा? चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी की देख रेख में।
निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में। ठीक है, ओके, चलो एसएलयू के बारे में लिख लीजिएगा एक पॉइंट। एसएलयू केवल ईवीएम का निर्माण करने वाली कंपनियों ईवीएम का निर्माण करने वाली कंपनियों ईवीएम का निर्माण कौन कौन सी कंपनी करती है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों को ही जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही वो वीवीपैट पर प्रतीकों को लोड करने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वीवीपैट पर प्रतीकों को अपलोड किया जाएगा। अगला टॉपिक है सौर पाल प्रणाली। क्या बोले? लिखिएगा उन्नत सौर पाल प्रणाली। नहीं, उन्नत समग्र सौर पाल प्रणाली किसका? ये पहली बात तो ये नासा का है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। वो भी कहां से लॉन्च किया गया? न्यूजीलैंड से लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं ACS3 है क्या आखिर ये? नासा का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है, जिसे भविष्य के छोटे अंतरिक्ष यान के लिए लंबी अवधि निम्न प्रणोदन क्षमता की आवश्यकता वाले सुदूर अंतरिक्ष अभियानों में शामिल होने के लिए सौर पाल संरचना प्रौद्योगिकी को चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, अगर कोई अंतरिक्षयान सौर पाल प्रणाली से सुसज्जित होगा तो मान के चलना कि वो अंतरिक्षयान पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित होगा। ठीक है, सौर पाल से सुसज्जित अंतरिक्षयान पृथ्वी, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? हल्के, लिख लीजिए हल्के कार्बन फाइबर सेल, सॉरी बूम का उपयोग, हल्के कार्बन फाइबर सेल बूम का उपयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है,
सेल के बाद क्या है सर? बूम बूम, हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। पहले जो होता था उसमें धातु बूम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पहली बार सेल बूम का प्रयोग, हल्का कार्बन फाइबर सेल बूम का प्रयोग किया जा रहा है, ये पहली बार है ऐसा। ओके, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? सौर पाल प्रणोदन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना, सौर पाल प्रणोदन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना, प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा ना, देखो इससे फायदा ये होगा कि जो भारी प्रणोदन प्रणालियां है ना उन पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा, ठीक है। जो भारी प्रणोदन प्रणालियां हैं उन पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा, साथ ही साथ भविष्य में जो भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे उनके लिए क्या किया जाएगा भाई, एक मार्ग सा खुल जाएगा, ठीक है, उनके सबके लिए अग्रगामी होगा ये। प्रणोदन के लिए सूर्य की प्रचुर ऊर्जा का उपयोग करके, ठीक है, भविष्य के मिशन पारंपरिक ईंधन टैंकों पर निर्भर होने के बजाय, बड़े पाल का उपयोग करेंगे, कर सकते हैं जिससे कम लागत पर लंबी अवधि के मिशन को सक्षम किया जा सके, ठीक है। अब बात आती है सर क्या किया जाए, मिशन को सक्षम किया जा सके, अब बात आती है सौर पाल तकनीक की, ये क्या है भाई, लिखिएगा। इसमें अंतरिक्ष यान को पारंपरिक ईंधन के बिना परावर्तक सतहों का उपयोग करके सूर्य द्वारा उत्सर्जित फोटॉन की गति का उपयोग करती है, फोटॉन की गति का उपयोग करती है। दूसरा ही लिखिएगा। नहीं रहने दो, इसमें जानते क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश होगा ना उसमें जो भी बाहरी दबाव लगाया जाता है, जैसे याद रखना, मतलब अगर कहें तो जैसे एक व्यक्ति है वो नाव को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, चप्पू चलाता है ना, फिर खींचता है, ऐसे ही वही काम करता है यहाँ पे, वही इससे यूज होता है। अब इससे फायदा ये हो जाएगा, जो पारंपरिक ईंधन का प्रयोग किया जाता था उनकी जरूरत समाप्त हो जाएगी अगर मामला सब ठीक ठाक रहा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या है संबंधित तो वो किडनी से है लेकिन चर्चा में क्यों रहा है, फेयरनेस क्रीम,
फेयरनेस क्रीम के नियमित उपयोग से, फेयरनेस क्रीम का नियमित उपयोग, ठीक है, इनके नियमित उपयोग से इस सिंड्रोम का पता लगाया गया। कहां पर लगाया गया है? केरल, मलप्पुरम जिला है केरल में, यहां पर बात पता चली है। होता क्या है, वृक्क से जुड़ा विकार है, वृक्क से जुड़ा विकार है जिसमें शरीर से, जिसमें शरीर से मूत्र के साथ, मूत्र के साथ प्रोटीन का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है, मूत्र के साथ प्रोटीन का उत्सर्जन होने लगता है। आप देखिए, अब प्रोटीन का उत्सर्जन होने लगेगा तो पता चल जाएगा भैया नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कुछ मामला है। अब अगर ज्यादा प्रोटीन निकलने लग गया तब मूत्र के साथ, कहीं छोटा सा लिख लो, मूत्र के साथ बहुत अधिक प्रोटीन उत्सर्जन को, मूत्र के साथ बहुत अधिक प्रोटीन उत्सर्जन को प्रोटीन मेह कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोटीन मेह बोले सर, मेह मेह, हाँ आज से हल मधुमेह। दूसरा पॉइंट, गुर्दे के, गुर्दे के ग्लोमेरुली, ग्लोमेरुली क्या है भैया, फिल्टर है, ब्रेकनलिंग फिल्टर की समस्या के परिणाम स्वरूप यह उत्पन्न होता है। अच्छा, ब्रेक क्या काम करता है, फिल्टर करता है सर ब्लड को, हाँ ब्लड को फिल्टर करता है। और भी अगर आपके जैसे कुछ और भी अगर तरल पदार्थ हैं, नेफ्रॉन जैसे कुछ, अगर आपके ब्लड में और भी कुछ ऐसे तरल पदार्थ मिले हुए हैं तो उनको भी नेफ्रॉन फिल्टर के माध्यम से हटाने का प्रयास करता है, नेफ्रॉन फिल्टर। शरीर में जितना लिक्विड वाला चीज पाया जाता है ना, उसको फिल्टर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो नेफ्रॉन होते हैं ना, हर एक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुली होता है जी सर, हर एक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, एक फिल्टर जैसा कुछ है, ठीक है, ओके। लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए और, सामान्य अपशिष्ट उत्पादों में, सामान्य अपशिष्ट उत्पादों में अपशिष्ट उत्पादों में नाइट्रोजन अपशिष्ट, नाइट्रोजन अपशिष्ट ब्रैकेट में यूरिया, ब्रैकेट में यूरिया लिख लीजिएगा, कॉमा मांसपेशियों का अपशिष्ट, मांसपेशियों का अपशिष्ट क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन और अन्य अम्लीय अपशिष्ट के बाद, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, क्रिएटिन होता है ना, ना और लिख देना एक ना, और अन्य अम्लीय पदार्थ शामिल होते हैं, ग्लोमेरुली क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, लिखिएगा, यह ग्लोमेरुली नाम ही लिखना, ग्लोमेरुली शरीर को नियमित रूप से काम करने के लिए, शरीर को नियमित रूप से काम करने के लिए, शरीर को नियमित रूप से काम करने के लिए आवश्यक कोशिकाओं, आवश्यक कोशिकाओं, आवश्यक कोशिकाओं और प्रोटीन को, और प्रोटीन को रक्त में बनाए रखता है, ठीक है, हो गया जी सर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम तभी उत्पन्न होता है जब इस ग्लोमेरुलस में
सूजन उजन आ जाए। नेफ्रोटिस सिंड्रोम का कारण क्या है, कारण लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, नेफ्रॉन इकाइयों को नुकसान पहुंचाकर, नेफ्रॉन इकाइयों को नुकसान पहुंचाकर प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया को बढ़ाने वाली, को बढ़ाने वाले वृक्क से संबंधित किसी भी बीमारी के कारण, वृक्क से संबंधित किसी भी बीमारी के कारण। एक है नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस दूसरे पॉइंट में लिखिएगा। नेफ्राइटिस क्या है, किडनी को प्रभावित करने वाली बीमारी है, वृक्क को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है नेफ्राइटिस। अन्य बीमारियों में जब देखेंगे तो उसमें मधुमेह मिलेगा, मधुमेह, ल्यूपस, ठीक है। इसमें किडनी को प्रभावित करने वाली क्या लिखी बीमारी, हाँ किडनी को प्रभावित करती है, किडनी को प्रभावित करती है, अरे नेफ्र किडनियन होती है वृक्क, उसी के बारे में लिखा रहे हैं, ठीक है। अभी हाल में क्या हुआ है लिख लीजिएगा, पारायुक्त फेस क्रीम, पारायुक्त फेस क्रीम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बीच के संबंध की खोज, संबंध का पता चला है, ठीक है, हो गया। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दुष्प्रभाव क्या होंगे, दुष्प्रभाव क्या होंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दुष्प्रभाव क्या होंगे, रक्त में थक्के बनना, रक्त में, पहला पॉइंट लिख लीजिए, रक्त में थक्के बनना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, समझ गए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस और उच्च रक्तचाप का कारण, उच्च रक्तचाप का कारण। हो गया, और क्या दुष्प्रभाव इसका हो सकता है, क्रोनिक किडनी रोग, क्रोनिक किडनी रोग, किडनी की विफलता। आज टॉपिक पहला है अपना कामो ओलेवा। क्या है ये कामो ओलेवा भाई, एक क्षुद्र ग्रह है, सॉरी एक क्षुद्र ग्रह है, ये ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ, इसका प्रकाशन किया गया है, नाम क्या है इसका, पूरा नाम अगर देखें तो 46-92-19 कामो ओलेवा। उस प्रकाशन में ये बात सामने आई है कि ये क्षुद्र ग्रह चंद्रमा का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, चंद्रमा का टुकड़ा होने की संभावना देख रही है, हो सकता है, ऐसा प्रकाशन किया गया। किसमें प्रकाशित है, नेचर एस्ट्रोनॉमी में, नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका है, इसी में इसका प्रकाशन हुआ है ना। कामो ओलेवा क्या है इसके बारे में देखें तो ये प्रकाश परावर्तन, सॉरी प्रकाश परावर्तन और अपक्षयित, अपक्षयित चंद्र चट्टान के समान है,
चंद्र के समान है, ठीक है। इसके अगर हम आकार, आयु, घूर्णन विशेषता, घूर्णन की बात करें तो ये किसके समान दिखता है, किससे मेल खाता होगा? जियोर्डाने ब्रूनो, ठीक है, जियोर्डानो ब्रूनो क्रेटर के समान है। अब ये क्या है, चंद्रमा पर पाया गया एक क्रेटर है, क्रेटर नहीं, इसको क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखना। ये अपनी कक्षा पृथ्वी के साथ साझा करता है, साझा करता है, ठीक है, पृथ्वी के साथ अपनी कक्षा का साझा करना इस क्षुद्र ग्रह का यह प्रमाणित कर देता है, यह संभव बना देता है कि चंद्रमा का ही टुकड़ा होगा, ठीक है। हवाई में एक वेधशाला है, यह याद रखना कहां पे है, हलेकाला, हलेकाला वेधशाला कहां पर है, ये हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में है। इसमें इनके शोधकर्ताओं ने 2016 में खोज की थी, तो उन्होंने बताया था, हवाई द्वीप कहां है, हैं, हवाई द्वीप कहां है, हवाई द्वीप कहां भाई, प्रशांत महासागर का हिस्सा, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, हाँ। 2016 में एक पता लगाया गया था इसी वेधशाला के माध्यम से कि जो कामो ओलेवा है इसका जो व्यास है वो करीब 100 से 200 फीट का है, ठीक है। और ये चीज और याद रखना, ये अक्सर सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के 10 मिलियन मील के भीतर पहुंच जाता है, जब सूर्य की परिक्रमा होती है उस दौरान ये पृथ्वी के 10 मिलियन मील के भीतर में आ जाता है। 10 मिलियन मील का मतलब क्या हुआ, बस समझे, 10 मिलियन मील का लगभग डेढ़, कामो ओलेवा के लिए कुछ अंतरिक्ष मिशन भी भेजे गए हैं या भेजने जाने की संभावना है। जैसे इसके लिए मिशन कौन कौन से हैं, 2025 में एक मिशन भेजने वाला है, नाम है तियानवेन, तियानवेन टू, किसके द्वारा भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है चीन द्वारा भेजा जाना है, इसको चीन द्वारा भेजा जाना है। क्या करेगा ये, कामो ओलेवा के नमूनों को पृथ्वी पर लेकर आएगा, इसका ये उद्देश्य है। तियानवेन टू जो 2025 में चीन द्वारा छोड़ा जाएगा उसका मूल उद्देश्य है कामो ओलेवा के चित्रों को पृथ्वी पर लेकर आएगा, ठीक है, बस समझे, ये है 2025 भविष्य में इसकी वो होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये चर्चा में रहा है, चर्चा में रहने का कारण क्या था, चर्चा में इसलिए रहा, यहां पर बांधों का निर्माण किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बांध डैम बांधों के निर्माण पर रोक के लिए चर्चा में रहा है, हरियाणा में, हाँ हरियाणा में है, ये हरियाणा में है, हरियाणा में एक सुखना झील है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, वहां पर एक देखेंगे मोरनी पहाड़ी है जिसको खोल ही रैतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, यहाँ के अभी बाद में लिखवा देंगे, अभी लिख लो, अच्छा सुखना झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स, या फिर इसका दूसरा एक नाम है खोल ही रैतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सर क्या कह रहे हैं, खोल की रेतान क्या, एक और है यहाँ पे बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है,
इन सबके थोड़ा सा देखेंगे दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा ये कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। यहां पे और भी है, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, चिलचिला, चिलचिला झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखना। एक और भी है यहां पे लिख लो, उसका नाम क्या है, अबूब, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और जो कालेसर है राष्ट्रीय उद्यान भी है और आपका क्या है ये वन जीव अभयारण्य भी है। वैसे यहां पे और भी कई सारे हैं, सबके नाम लिखने हैं आपको, अभी बाद में लिख लेंगे, नहीं क्या भी लिखने हैं लिख लो फिर। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पे है, भिंडावास एक भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक भिंडावास झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एक और है खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है सुल्तानपुर वाइल्ड सॉरी सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ठीक भाई। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य पसंद नहीं है सर, हिस्ट्री पर चलिए। कालेसर कहाँ है, शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में, माला की तलहटी में, जिला है यमुनानगर, यमुनानगर हरियाणा, ठीक है। तीन राज्य से घिरा हुआ है, तीन राज्य हैं, कौन कौन से होंगे तीन राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तीन राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम एक मैप बनाएं तो कुछ ऐसा मैप बनेगा इसका, ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ हरियाणा का मैप कुछ ऐसे मिलता जुलता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। आपको कालेसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए अब ये ध्यान रखना, इसके पूर्व में यमुना नदी बहती है, यमुना नदी बहती है और ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है, ठीक है। इसका नाम पड़ा है, इसके परिसर में एक मंदिर है जिसका नाम है कालेसर महादेव मंदिर, कालेसर महादेव मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। मुगलों के समय पे और ब्रिटिशों के समय पे, अंग्रेजों के समय पे इस क्षेत्र का यूज किया जाता था शिकार के मैदान के रूप में, मुगलों के समय पे भी शिकार किया जाता था, अंग्रेजों के समय पे भी शिकार किया जाता था। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेंगे, रीसस बंदर देखने को मिल जाएंगे, तेंदुए मिलेंगे हमको यहाँ पे, घोरल मिलेंगे हमको यहाँ पे, भौंकने वाले हिरण मिलेंगे, भौंकने वाले मतलब बार्किंग डियर मिलेंगे यहाँ पे, भौंकने वाले हिरण मिलेंगे, सांभर मिलेगा, चीतल मिलेगा, अजगर भी मिलेगा यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब अगर पेड़ों की बात करें, वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेमुल, बहेड़ा, अमलतास, शीशम, खैर, सेन, ये प्रमुख वृक्ष हैं यहाँ पे, ठीक है, चीजें हो गई इसके बारे में, ठीक है, ये हो गया, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नो सर, ठीक है। अब बात करेंगे विश्व बौद्धिक संपदा
दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार की? थीम जरूर लिख लो, थीम क्या थी इसकी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोले या फिर आईपी और एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, ऐसे करके फिर नवाचार और रचनात्मकता के साथ, रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण, सामान्य भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम रही भाई। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या है ये? स्थापना लिखिएगा 1967, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है लिख लीजिए, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत 1975 में सदस्य बना है, याद रखना। इसकी स्थापना के साथ भारत विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य रहा है, तो गलत हो जाएगा ना? जी सर, स्थापना पहले हुई थी, भारत बाद में इसका सदस्य बना है, ठीक है। चलो ये हो गया, अगले टॉपिक की बात करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट 301 या स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है ये? किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। कहां पर है ये? अमेरिका में, अमेरिका का, यूएस का है, संयुक्त राज्य से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या करती है रिपोर्ट, काम क्या है इस रिपोर्ट का लिख लीजिएगा, बौद्धिक संपदा सुरक्षा की वैश्विक स्थिति की समीक्षा, वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा, वार्षिक समीक्षा करती है, ठीक है। ओके सर, ये बौद्धिक के बाद क्या लिखे? बौद्धिक संपदा सुरक्षा की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा करती है, ठीक है। भारत को क्या किया गया है अभी? भारत को निगरानी सूची में रखा गया है, इसकी निगरानी सूची में भारत को रखा गया है। किसकी निगरानी की सूची है? बौद्धिक संपदा सुरक्षा की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा की जो निगरानी है उसी में रखा गया, ठीक है ना। भारत को अमेरिका की निगरानी सूची में रखा गया है, बात क्लियर है। क्यों ऐसा किया गया है, ऐसा क्यों किया गया, कारण क्या है लिख लीजिए। भारत आईपी हम लिख दे रहे हैं, बौद्धिक संपदा आप लोग लिख लेना, सुरक्षा के संबंध में विश्व की सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, इसीलिए भारत को निगरानी सूची में रखा गया है। लेकिन भारत को ही नहीं रखा गया, भारत के साथ साथ और भी देशों को रखा गया है। भारत के साथ और कौन कौन से देश हैं?
इसी के साथ लिखवा देंगे अन्य देश निगरानी सूची में। वो कौन कौन से हैं लिख लीजिए, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, वेनेजुएला, ये सारे देश भी निगरानी सूची में शामिल हैं। ठीक है, ओके, स्पेशल 301 रिपोर्ट है, याद रखना है। अच्छा, भारत के लिए कौन कौन सी चिंताएं व्यक्त की गई हैं, भारत के लिए चिंता क्या क्या है लिखिएगा एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, भारत में पेटेंट मुद्दे कौन से पतंग वाला पेटेंट मुद्दे विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पेटेंट अनुदान प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि। अगला पॉइंट लिखिएगा, पेटेंट निरस्तीकरण का संभावित खतरा, हो गया। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या में अस्पष्टता। हो गया जी सर, या तो क्लियर, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है सर? पेटेंट क्या है, परिवार के नाम चलवा जाते हैं। अभी क्या हुआ है लिख लीजिए, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने का कारण क्या थी इसकी, इसका नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च हुआ है। ठीक है, ओके, आदर्श वाक्य क्या है इसका लिख सकते हैं, यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। लोगो कैसा है इसका, लोगो लिख लीजिए। आकार कैसा है इसका, कमल की पंखुड़ी के समान है, पंखुड़ी के समान है। बीच में सारनाथ स्तंभ है या अशोक स्तंभ समझो, ठीक है, सारनाथ स्तंभ या अशोक स्तंभ, ठीक है। यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, जहां इतिहास को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है, यत्र मतलब होता है यहां जहां, है ना। ये इसका गठन कब हुआ था, इतिहास रिकॉर्ड आयोग का गठन कब किया गया था, स्थापना कब हुई है इसकी, 1919 में। हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। क्या करता है ये लिख लीजिए, अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है, एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। ठीक है, काम क्या करता है भाई, काम लिख लो इसका, अभिलेखों का प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिए रचनाकारों संरक्षकों
संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं के एक अखिल भारतीय मंच के रूप में काम करता है। अभिलेखों के बाद क्या बोले? उपयोगकर्ताओं के एक अखिल भारतीय मंच के रूप में काम करता है। नेतृत्व कौन करता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री। ठीक है, हो गया जी सर। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व ऊर्जा आयोग, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। ठीक ना, कहां पर हुआ इसका आयोजन? याद रखना ये 26वां संस्करण है। रॉटरडेम में आयोजन किया गया, रॉटरडेम कहां भाई? नीदरलैंड। ठीक है, और ये हुआ है 22 से 25 अप्रैल के बीच में, 22 से 25 अप्रैल के बीच में। ठीक है, विषय क्या था इसका? विषय क्या था लिख लीजिए, नई परस्पर निर्भरता, विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है लिख लीजिए, विश्व भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, विश्व भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है लिख लीजिए, लिखिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, IREDA, इरेडा सर, विकास संस्था लिमिटेड, इरेडा भी लिख लेना, के अध्यक्ष ने भाग लिया। ठीक है, आयोजन कौन करता है? आयोजन करता कौन भाई? विश्व ऊर्जा परिषद, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, विश्व ऊर्जा परिषद की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है? 1923 में। एक वैश्विक संगठन है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, ऐसे वैश्विक संगठन है, ये वैश्विक संगठन है। भारत कब शामिल हुआ? 1924 में शामिल हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में है। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व ऊर्जा परिषद का उद्देश्य क्या लिखिए? सतत ऊर्जा आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, हो गया। ठीक है, चल, यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक, भारतीय वायुसेना अलंकरण समारोह, भारतीय वायुसेना अलंकरण समारोह 2024, ये भी लिख लेना इसी में। कब हुआ है ये? 26 अप्रैल को हुआ है। इसमें क्या हुआ, क्या किया गया? जो एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? राम करके कुछ नाम है।
वी आर चौधरी, वी आर चौधरी ने, लिख लीजिए ने, 51 वायु सेना योद्धाओं को, 51 वायु सेना योद्धा को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए, हो गया। ये जो 51 दिए गए ना, इस 51 में क्या क्या दिया गया ये भी लिख लो ऐसे करके। 3 युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, 7 वायुसेना वीरता मेडल, वायुसेना वीरता मेडल, 13 वायुसेना मेडल, वायुसेना मेडल, और 28 विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है हो गया जी सर। आयोजन सर, सर सॉरी, लेकिन ये 3 युद्ध सेवा, ये जरा एक बार समझाएंगे क्या है? 3 युद्ध सेवा मेडल मतलब युद्ध में कहीं अपनी सेवा दिए होंगे 3 लोग, उनको दिया गया है। आयोजन लिखिएगा, आयोजन, आयोजन क्या है लिखिएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में, कहां हुआ? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर, स्मारक परिसर में परम योद्धा स्थल के पास, स्थल के पास, ब्रैकेट में नई दिल्ली लिख लोगे, इंडिया गेट के पास में है ये। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। देखिए क्या है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में अपना अलंकार अलंकरण समारोह आयोजित किया था। पहली बार ऐसा हुआ है, यहां पर पहली बार आयोजन हुआ है, यह ध्यान रखना। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन यहां पर हुआ है, ब्रैकेट में चाहे तो ऐसे लिख लो, पहली बार। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्या है? नई दिल्ली में है ना, 2015 में सरकार ने मंजूरी दी थी। लीजिए फिर, नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास, नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, 2015 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी, भारत सरकार द्वारा 2015 में मंजूरी। अगला पॉइंट, 2019 में अनावरण, 2019 में अनावरण। ठीक है, ये देखिए, ये उन सभी सैनिकों की स्मृति में बनवाया गया है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न लड़ाई अभियान संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, इस स्मारक पर, इस स्मारक पर देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित, परमवीर चक्र से सम्मानित 21 सैनिकों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, 21 सैनिकों की प्रतिमा स्थापित की गई है जिसे परम योद्धा स्थल कहा जाता है। ठीक है जी सर, ठीक है, ठीक। पहला टॉपिक आज का है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। ठीक है, व्यापार और विकास क्या है? पहले इसका नाम हुआ करता था, पुराना नाम क्या था सर, लिख लीजिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, मतलब इसको बोलते थे यू एन सी टी ए
डी, पहले ये नाम था इसका, अंकटाड नाम था, ठीक है। ठीक है, अब ये 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है, अंकटाड के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम नया वाला कर दिया गया, ठीक है। अंकटाड क्या है, मतलब यही संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, ये कैसी संस्था है, अंतर सरकारी निकाय, एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, अंतर सरकारी निकाय है। स्थापना हुई थी 1964 में, उद्देश्य क्या है, अल्प विकसित देशों व विकासशील देशों, लिख लीजिए, अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, कितने सदस्य हैं, सदस्य की संख्या लिखिएगा, भारत अर्थव्यवस्था के क्या बोले में एकीकृत करना, सदस्य हैं इसके 195 भारत सहित, 195 देश हैं भारत सहित, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा में है, इनके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट लिख लीजिए, तो इसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, पहला है व्यापार और विकास रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, दूसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, तीसरा है अल्प विकसित देश रिपोर्ट, ठीक है, अल्प विकसित देश रिपोर्ट, हो गया जी सर, ठीक जी सर। अभी हाल फिलहाल में कहीं पर जंगल की आग जैसी घटना कुछ घटी है क्या भारत में, उत्तराखंड, वनाग्नि की घटना बढ़ रही है, उत्तराखंड तो ठंडा इलाका था, वहाँ आग कैसे लगी, उससे क्या मतलब है, नहीं सर मतलब एक एक नेचुरल होता है ना जो अफ्रीका में बहुत पहले लगा, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में लगा था, एक कोई लगा दिया, तो नेचर था ना, वो नेचर से लगा था, अगला टॉपिक है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट, सर इसको नहीं लिखना तो उत्तराखंड वाला, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट हिमाचल प्रदेश में, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट, कहाँ पर है ये, महत्वा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, सतलज जल विद्युत निगम पे स्थापना की गई, महत्वा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, किसके द्वारा की गई, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, ठीक है। यहां जो हरित हाइड्रोजन बनेगा उसका उपयोग किसमें किया जाएगा,
ईंधन आवश्यकता की पूर्ति बिजली। और बिजली उत्पादन में, ठीक है, बिजली उत्पादन में ये जो परियोजना है ना, प्रतिदिन 8 घंटे में 14 kg हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, ठीक है, ओके। चलिए, भारतीय रुपए की विनिमय दर तुलना, ऐसा माना जाता है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में भारतीय मुद्रा में डॉलर की तुलना में अधिक गिरावट आई है। गिरावट तो आई है पिछले 10 साल में डॉलर की तुलना में, लेकिन अगर वैश्विक स्थिति पे बात किया जाए तो रुपया वास्तविक रूप से मजबूत है अभी। 2014 से 2024 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 27.6% की गिरावट आई है, ठीक है। कितना है इस समय? करीब 83 रुपया है ना जी सर। लिखिएगा, रुपए की स्थिति निर्धारित करने वाले कारक, लिखिएगा विनिमय, पहला पॉइंट विनिमय दर की गणना प्रभावी विनिमय दर के आधार पर की जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत अमेरिका के अलावा अन्य देशों को भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात करता है। अर्थात रुपए की मजबूती या कमजोरी अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अन्य वैश्विक मुद्राओं के साथ अन्य वैश्विक मुद्राओं के साथ विनिमय दर पर निर्भर करती है। लिखिएगा इसके बारे में, इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समान एक सूचकांक द्वारा मापा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समान एक सूचकांक द्वारा मापा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में, अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर के, रुपए की विनिमय दर के प्रभावी, नहीं सर, रुपए में भी विनिमय दर प्रभावी विनिमय दर के माप का माप, प्रभावी विनिमय दर के माप कौन कौन से हैं? एक लिखिएगा प्रभावी, सॉरी, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, लिखिएगा इसके बारे में। पहला पॉइंट, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर। आरबीआई ने छह मुद्राओं के साथ साथ चालीस मुद्राओं के बास्केट की तुलना के आधार पर, चालीस मुद्राओं के बास्केट की तुलना के आधार पर रुपए का, इसे बोलते हैं NEER, रुपए का NEER सूचकांक तैयार किया है। ठीक है, यह सूचकांक वैश्विक मुद्राओं की, वैश्विक मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले, एक टोकरी के मुकाबले रुपए के बाहरी मूल्य में होने वाले, रुपए के बाहरी मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, इसको बोलते हैं RER। इसमें लिखिएगा, यह मूल रूप से NEER ही होता है, यह मूल रूप से NEER ही होता है जिसे घरेलू देश और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच, और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रा स्फीति के अंतर के लिए समायोजित किया जाता है। मुद्रा स्फीति के अंतर के लिए समायोजित किया जाता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, यदि किसी देश की नाम मात्र विनिमय दर, यदि किसी देश की नाम मात्र विनिमय दर उसकी घरेलू मुद्रा स्फीति दर से, उसकी घरेलू मुद्रा स्फीति दर से कम हो जाती है तो मुद्रा वास्तव में, मुद्रा वास्तव में वास्तविक शर्त में बढ़ी गई, बढ़ गई मानी जाती है। लिखिएगा,
इसमें वृद्धि का मतलब है, इसमें वृद्धि का मतलब है कि भारत से निर्यात किए जा रहे उत्पादों, भारत से निर्यात किए जा रहे उत्पादों की लागत, की लागत देश में, देश में किए जा रहे की लागत, उत्पादों की लागत, उत्पाद उत्पादों की लागत देश में आयात की कीमतों से, देश में आयात की कीमतों से अधिक बढ़ रही है, अधिक बढ़ रही है, जो कि व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी को दर्शाता है। ठीक है, हो गया। वोट फ्रॉम होम, वोट फ्रॉम होम सुविधा, निर्वाचन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा, चाहे तो लिख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा क्यों किया गया है? समावेशी निर्वाचन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कुछ इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ नया भी हो रहा है। नया क्या है लिखिएगा। पहली बार विकलांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और 85 वर्ष, विकलांग व्यक्ति और 85 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के, उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वोट फ्रॉम होम सुविधा का विस्तार किया गया है। हो गया, हो गया। क्या फायदा होगा इससे? 85 लाख प्लस वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे इसमें, और करीब 88.4 लाख विकलांग व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, कौन कौन शामिल होंगे? एक तो अभी बता दिए हम, 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति, अधिक उम्र वाले, एक तो ये। दूसरा, 40% से अधिक विकलांगता जिसके पास होगी, 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति। इसके अलावा चुनावी गतिविधियों का, चुनावी गतिविधियों का प्रसारण करने वाले मीडिया कर्मी, अगला पॉइंट, आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी, बाकी एक और पॉइंट लिख दीजिए, सेवा प्रदाता। ओके, अब इसमें जैसे सशस्त्र बल के कर्मी हैं, है ना, कहीं दूर दराज अपने गृहनगर से है, नाम लिखिएगा। अच्छा, एक नाम है नरसिंह यादव, नरसिंह यादव, ये कौन भाई लिख लीजिए। तो भारतीय कुश्ती महासंघ
के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं, एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, एक लाइन, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का गठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देश पर किया गया। अब ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग क्या है भाई, इसके बारे में लिख लीजिए। वर्ल्ड रेसलिंग क्या ये लिखिए, रिकमेंडेशन पे किया गया। हाँ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देश पर किया गया है, इन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है, ये क्या है, कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। जिनेवा में समझो, स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है मुख्यालय। ठीक है, अब भारतीय कुश्ती महासंघ क्या है, ये भारत में कुश्ती का शासी निकाय है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका। लिख लीजिएगा, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ठीक है, हो गया।